सजिटेरियस साइन धनु राशि का नवंबर 2021 मंथ कैसे जाएगा और वो टैरो कार्ड रीडिंग से मैं आपको बताने वाली हूँ और एंजल कार्ड मैसेजेस भी आपको बताने वाली हूँ नवंबर 2021 के लिए धनु राशि। सो यहाँ पर कार्ड आता है कि आपके हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मे बी आप ज्यादा समय काम नहीं कर सकेंगे या फिर आप जो चाहते हैं कहाँ विजिट करना चाहते हैं वो नहीं कर सकेंगे, आपकी हेल्थ आपको परमिट नहीं करेगी, तो आप उस हिसाब से ही प्लानिंग करें, ज्यादा एग्जर्ट खुद को नहीं करें, हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस दें। आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिलने वाला है और जो भी बैंक बैलेंस आपका है उसको देखकर आपको एक इमोशनल हैप्पीनेस मिलने वाली है। आप कुछ नया लर्न करें, जैसे कम्युनिकेशन में अपने आप को अपग्रेड करें और आप इंटरव्यूज वगैरह के लिए जाने वाले हैं जॉब के लिए, तो वो बहुत सक्सेसफुल जाएंगे। बहुत कुछ न्यू आपको पता चलेगा जो आपको सीखना है और आप के नेबर्स के साथ भी, नेबर्स के थ्रू भी आपको कुछ लर्निंग के लिए मिल सकता है। सिबलिंग्स आपको काफी हेल्प करने वाले हैं कुछ सिखाने के लिए। आपके घर का माहौल बहुत ही बैलेंस्ड रहेगा। आप जितना मटेरियलिस्टिक पे ध्यान देंगे उतना स्पिरिचुअल पर भी ध्यान देंगे। घर पर आप पूजा पाठ चैरिटी मंत्र चैंटिंग वगैरह आप करने वाले हैं और घर का जो माहौल रहेगा वो बहुत ही आध्यात्मिक रहेगा। जो न्यूली मैरिड कपल हैं उनको प्रोजेनी के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। आप बेबी प्लान कर सकते हैं, नवम्बर मंथ में कुछ अच्छी न्यूज भी आपको आ सकती है। आप शेयर्स वगैरह से अगर पैसे कमाना चाहते हैं या लॉटरी या कोई क्विक मनी आप कमाना चाहते हैं, नवंबर मंथ उसे जरूर ट्राई करें, लक आपके फेवर में है। आपकी लव अफेयर के लिए भी पॉजिटिव कार्ड है कि आपका जो लव अफेयर है वो कमिटमेंट तक पहुंच रहा है। आपके हेल्थ के लिए आप जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा है। अपने इमोशंस के हिसाब से चले, मीनिंग अपने हार्ट की सुने, अपने माइंड की सुनेंगे तो आपको हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे और जितना हो सके आप लो प्रोफाइल रखें, आपके एनिमीज खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगे। आप जितना स्ट्रेस कम लेंगे आपके लोन का उतना आपका लोन जल्दी क्लियर होगा धनु राशि वालों का। आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके मैरिटल हैप्पीनेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कि आप फ्रेंड्स के साथ कुछ कपल्स मिलकर आप घूमने जाएंगे और इससे आपका जो रिलेशनशिप है वो और पॉजिटिव होगा। आपके बिजनेस पार्टनरशिप के साथ भी आप कुछ प्लान्स बनाएंगे, आप कहीं घूमने जाएंगे और वहां भी आपके रिलेशंस जो है वो और बिजनेस रिलेशंस और स्ट्रांग होंगे आपके। आप अकल्ट में कुछ सीखना चाहते हैं तो वो विश आपकी जरूर पूरी होने वाली है नवंबर मंथ में। मे बी आप कुछ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, सजिटेरियस साइन को बहुत पसंद है आध्यात्मिक चीजें लर्न करना, कुछ हीलिंग्स कुछ प्रिडिक्शन के कोर्सेस आप लर्न करेंगे जिसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी और जितना आपके पास स्पिरिचुअल पावर होता है उतना आप लोगों के नेगेटिविटी से दूर होते हैं, लोग आपके लिए नेगेटिव बोलते हैं। आप सजिटेरियस साइन अपना नॉलेज बढ़ाते हैं और लोगों की नेगेटिविटी से दूर हो जाते हैं। आपके लिए एडवाइस है कि थोड़ा दूर ट्रैवल करें और कुछ और लर्न करें। आप कहीं प्लान कर रहे हैं से फॉरेन कंट्री में जाकर कुछ लर्न करने के लिए और वो भी आध्यात्मिक फील्ड में, तो वो जरूर करें। आपके हायर एजुकेशन के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है और आप अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स से जरूर मिलें। पास्ट में आपने जिनसे भी कुछ सीखा हुआ है उनसे आप जरूर मिलें। करियर के लिए जस्टिस कार्ड आया है कि आपने पास्ट में जितनी मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है, अप्रिसिएशन मिलने वाला है, प्रमोशन मिलने वाला है और अगर आपने एफर्ट्स उठाए हैं नौकरी पाने के लिए तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। आप बिजनेस में हैं तो इससे भी आपका जो बिजनेस है वो ग्रो होगा क्योंकि पास्ट में आपने बहुत मेहनत की है। सजिटेरियस साइन एंजाइटी बिल्कुल नहीं रखना है आपको। आप एंजाइटी बहुत रखते हैं, आपको पेशेंस नहीं होता है जब चीजें आती हैं इनकम के लिए। जब इनकम का थॉट आता है तो आप बहुत एंशियस हो जाते हैं, आपको बहुत चिंता हो जाती है। जब तक पैसे आपके हाथ में नहीं आते हैं तब तक आप बहुत एंशियस रहते हैं, तो वो एंजाइटी के लिए आप मेडिटेशंस करें और नेचर में फेथ करें कि राइट टाइम पे आपको राइट अमाउंट भेजा जाएगा। सजिटेरियस साइन आप जितना अर्निंग पे ध्यान देते हैं उतना ही एक्सपेंसेस पर भी ध्यान दें और बिल्कुल भी स्टिंजी नहीं बने। आप जितना पैसा स्पेंड करते हैं
उतना आपके पास और पैसा आता है, तो स्ट्रेस नहीं ले, कभी भी खर्चा करने के लिए स्ट्रेस नहीं ले। आपके सबकॉन्शियस के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप जो भी डिसीजन लेंगे, आप कुछ कोर्स लर्न कर रहे हैं या कोई टीचर से मिल रहे हैं, कोई मंदिर विजिट कर रहे हैं या कुछ मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, उससे आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं सजिटेरियस साइन को। धनु राशि वालों के लिए एंजल कार्ड मैसेज है, धनु राशि वालों को टोपास स्टोन जरूर यूज करना चाहिए। टोपास स्टोन से आपका जो सोलार प्लेक्सस है वो क्लियर होता है, सारे फियर आपकी लाइफ से चले जाते हैं। वैक्यूम अवे फियर, कॉल अपॉन आर्कएंजल माइकल एंड राफेल टू लिफ्ट फियर बेस्ड एनर्जी फ्रॉम यू, योर सराउंडिंग, दिस सिचुएशन एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड। सो आपको फियर के ऊपर काम करना है, आपको सिट्रीन या टोपास स्टोन यूज करना है। बेसिकली सेजिटेरियस साइन वालों को सोलार प्लेक्सस बहुत क्लियर रखना होता है, एंड यू कैन प्रे टू आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, वो आपके मन में से फियर को निकाल देंगे और आपके सराउंडिंग में से, आपके सिचुएशन में से फियर को निकाल देंगे। और जो भी लोग आपके लाइफ में फियर बेस्ड एनर्जी लेकर आ रहे हैं उनको भी आर्कएंजल्स निकाल देंगे। आप जिस भी कुल देवी कुल देवता में बिलीव करते हैं उनको प्रे करें कि वो आपकी लाइफ से डर निकाल दें। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए संत कबीर का मैसेज है कि संत कबीर कहते हैं कि नोबडी इज सुपीरियर, नोबडी इज इन्फीरियर, बट नोबडी इज इक्वल ईदर, पीपल आर सिंपली यूनिक एंड इनकम्पेरेबल। कभी भी ए और बी दो लोगों को आप डिफरेंट नहीं ट्रीट करें, हमेशा सबको आप ऐसे ट्रीट करें जैसे हर कोई एक यूनिक पर्सन है। सो कभी भी लोग ऐसे करते हैं कि अगर एक कास्ट के किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया तो आप सारे कास्ट को कहते हैं कि वो खराब है, या एक कास्ट का कोई अच्छा फ्रेंड आया तो आप पूरे उस कास्ट को कहते हैं कि ये अच्छे हैं, तो वो चीज नहीं करना है। हर किसी को इक्वल यूनिक इम्पोर्टेंस देना है। नेक्स्ट है साइंस, नेचर आपको बहुत हेल्प कर रही है और हर मोमेंट पे आपको साइंस दिखा रही है, वो साइंस देखने के लिए आप रेडी रहें और इससे आपकी लाइफ जो है वो बहुत इजी होने वाली है। नेक्स्ट है आपके लिए एंजल कार्ड मैसेज, सो सजिटेरियस साइन को फियर निकालना है। आपके अंदर सबसे ज्यादा जो फियर है वो इनकम को लेकर होता है, पैसों को लेकर होता है, फ्रेंड्स को लेकर होता है। सो फ्रेंड्स के साथ भी आपको एनर्जीज को बैलेंस्ड रखना है, बहुत ज्यादा गिवर या बहुत ज्यादा रिसीवर नहीं बनना है। पावर ऑफ प्रेयर, आप प्रेयर्स करें, इससे आपकी जो लाइफ है वो बहुत इजी हो जाएगी। गिव दिस सिचुएशन टू गॉड फॉर अपलिफ्टिंग एंड हीलिंग एंड ओपन टू मिराकल्स। आप प्रेयर करें, आपकी जो भी सिचुएशन है वो गॉड को सरेंडर करें, गॉड को प्रे करें कि आपको इस सिचुएशन से अपलिफ्ट करें, आपको हील करें। Heaven's unlimited resources, love and answers are awaiting your prayers. So, भगवान आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपके प्रेयर्स के लिए वेट कर रहे हैं और आपको गाइडेंस भेजेंगे, आपको उस गाइडेंस को फॉलो करना है। आप जो प्रेयर्स करेंगे तो भगवान उस रिस्पॉन्स में आपको कुछ न कुछ हेल्प जरूर भेजने वाले हैं। सो प्रेयर्स के पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, डेली कुछ टाइम निकालें, प्रेफरेबली सुबह उठने से अगर आप प्रे करते हैं और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रेयर्स करते हैं तो आपके प्रेयर्स जरूर आंसर होते हैं। नेक्स्ट है बास्ट इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। सो सजिटेरियस साइन एक गुरु का राशि है, लोग आपके अंदर गुरु देखते हैं, एक टीचर देखते हैं, एक एडवाइजर देखते हैं, तो उसके लिए पहले आपको इंडिपेंडेंट बनना है, अपना फाउंडेशन बनाना है अपने स्ट्रेंथ से और अपने सक्सेस से। तो जैसे ही आप ये इंडिपेंडेंट बनते हैं लोग आपको वो रिस्पेक्ट देते हैं जो आप चाहते हैं। आपकी नॉलेज को भी आप अपग्रेड करते रहिए और एक करेक्ट टीचर, एक करेक्ट एडवाइजर, एक करेक्ट प्रीचर आप बन सकते हैं। नवंबर मंथ आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, सिर्फ इनकम को लेकर एंजाइटी नहीं रखें। हैव फेथ इन गॉड, प्रेयर्स करें कि राइट टाइम पर आपको राइट इनकम प्रोवाइड की जाएगी। सो आई होप सजिटेरियस साइन को रीडिंग अच्छी लगेगी। आई एम सॉरी, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।